नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके जो भी सवाल है उनके जवाब लेकर आया हूं। काफी दिनों से व्यूअर्स लोग का क्वेश्चन आ रहा था, बट किसी कारण से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली, तो यहां मैंने कुछ रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हैं उनके जवाब लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन रहते हैं जो हर किसी के मन में सवाल रहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर डू वी गेट एनी फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट विथ पासबुक आफ्टर ओपनिंग टर्म डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट ओपन होने के बाद जो उन्हें पासबुक मिलती है उसके साथ क्या उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल जो है टर्म डिपॉजिट जो है आपको पासबुक ही सिर्फ मिलती है। पहले 2016 से पहले भी आपको पासबुक ही मिलती थी टर्म डिपॉजिट पर, बट अगर केवीपी और एनएससी की बात करूँ तो उस समय सर्टिफिकेट मिला करती थी नवंबर 2016 से पहले। बट नवंबर 2016 के बाद केवीपी, एनएससी, टीडी, एमएस हर किसी की आपको पासबुक ही मिलती है, तो सिर्फ पासबुक ही आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है सर आई एम 25, सो कैन आई इन्वेस्ट इन SCSS। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन का जो ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या वो निवेश कर सकते हैं, तो फ्रेंड आप यहाँ पर जान सकते हैं सीनियर सिटीजन यानी कि जो 60 साल से उम्र के ऊपर के हैं वही लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, तो आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं, इफ आई डिड ए स्मॉल मिस्टेक सो कैन आई कंटिन्यू विद द सेम फॉर्म और डू आई नीड टू गेट ए न्यू फॉर्म। यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ वो बात कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, वो फॉर्म अगर लेते हैं उसमें कहीं छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो क्या उन्हें फिर से पूरा नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या उसी में करेक्शन कर सकते हैं। देखिए अगर सिंपल थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसे ओवरराइड करके कर सकते हैं, बट अगर आपने बहुत ही चीज गलत इधर उधर लिख दी है तो आप एक नया फॉर्म लेकर फिर से उसे रीअप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोले, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने का जो ऑनलाइन तरीका है, आप गूगल पर अगर मारेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके दिखाए जाएंगे कि आप इस वेबसाइट पर जाकर आप पोस्ट ऑफिस में घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। बट ध्यान में रखिए वो जो अकाउंट है वो IPB का अकाउंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। अगर पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका अभी तक ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं आया है, उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना होगा और वहां पर आप फिजिकल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपने जो अकाउंट ओपन किया है वो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, बट वो IPB अकाउंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मेरी बेटी का सुकन्या अकाउंट है जलंधर में और अभी वो इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो उसमें पैसे वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहे क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या वह जलंधर में अपडेट करना होगा या इलाहाबाद में कर सकते हैं। तो देखिए अगर मोबाइल नंबर अपडेट की मैं बात करूं तो वो एक CIFI ID जो होती है उसमें नंबर अपडेट होता है, तो वो आपको आपके होम ब्रांच में ही करना होगा। बट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और वहां आपके जलंधर के सिटी के पोस्ट ऑफिस में अगर वह अपडेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपने इलाहाबाद जहां आपका अपने अकाउंट ओपन किया था सुकन्या का वहीं पर ही आप इसे अपडेट कराकर फिर फर्दर डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे डिपॉजिट कर सकते हैं IPB अकाउंट के मदद से। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सर जी RD पर इनकम टैक्स या TDS नहीं लगता है क्या, तो TDS यहाँ पर जो है RD में आपको कोई भी नहीं देना होता है, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में आपका TDS नहीं कटता है सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम को छोड़कर। अगर सीनियर सिटीजन में भी अगर आपका सालाना 50,000 से ऊपर का ब्याज होता है तभी आपको TDS कटता है, वरना कोई भी स्कीम में TDS नहीं कटता है। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं RD में वो इंटरेस्ट आपका इनकम में एड होता है, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे थे सर कैन आई ओपन RD अकाउंट थ्रू ऑनलाइन इन पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, आप RD अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, बट सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। पहले आप पोस्ट ऑफिस में आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना जरूरी है, विजिट करके वहां पर पोस्ट ऑफिस जाएंगे, सेविंग्स अकाउंट को पहले फिजिकली ओपन करवाना होगा, उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवाना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में, फिर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं RD का। और अगर आप चाहें कि डायरेक्ट मैं RD अकाउंट ओपन कर लूं विदाउट इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको पहले पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना होगा, जिसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो अगर है तो इजीली ओपन हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर तीसरा साल लगते ही आरडी बंद कर सकते हैं या तीसरा साल कंप्लीट करना पड़ेगा? तो इनका क्वेश्चन जो है आरडी से रिलेटेड है। आरडी जैसे कि आप जानते हैं 3 साल के बाद ही प्री मेच्योर क्लोजर हो सकती है, तो तीसरा साल लगते हैं यानी कि आप कह रहे हैं 24 मंथ कंप्लीट होने का, जब 2500 मंथ लगता है तब, तो ऐसा नहीं है, आपको 36 मंथ कंप्लीट करने होंगे यानी कि 3 साल पूरा कंप्लीट करना होगा, तब जाके आप आरडी को प्री मेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या हम किसी भी एसओ सब पोस्ट ऑफिस का अकाउंट किसी अदर ब्रांच में क्लोज करवा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बात कर रहे हैं टीडी की, वहां टीडी की, तो टीडी आप जिस पोस्ट ऑफिस में आपने ओपन किया है उसी पोस्ट ऑफिस में आपको क्लोज करवाना होगा, बट आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में तभी क्लोज करवा सकते हैं, पहले आपको उसे ट्रांसफर करवाना होगा अपने पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद जाकर आप उस नए पोस्ट ऑफिस में क्लोज करवा सकते हैं, बिना ट्रांसफर करवाए आप अपने टीडी या किसी भी स्कीम को क्लोज नहीं करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लिए हैं, रेंडमली लिए हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, आने वाले समय में मैं ऐसे ही कुछ 10 क्वेश्चन को लूंगा और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।